पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर गोरखपुर रेलवे सुरक्षा बल पुलिस की महिला प्रशिक्षु आरक्षियों द्वारा रेलवे ट्रेनिंग सेंटर से सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम तक रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत महिला आरक्षियों ने आम नागरिकों में सुरक्षा का एहसास कराया। गौरतलब है कि 1962 में चीन से युद्ध करते हुए CRPF की बटालियन के 10 जवान बहुत ही वीरता के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे, जिसको लेकर प्रत्येक वर्ष देश में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन होता है और उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है जो 1962 में चीन के पहाड़ों पर शहीद हुए थे। इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल के IG अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल देश के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है। ये एक ऐसा सुरक्षा बल है जो देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की संपत्तियों की रक्षा तथा देश विरोधी गतिविधियों में रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी रखना। ये एक केंद्रीय सैन्य सुरक्षा बल है जो पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में भी जाना जाता है, जिसे दोषियों को गिरफ्तार करने, जांच पड़ताल करने एवं अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार होता है। ये RPF के नाम से जाना जाता है। ये सुरक्षा बल भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन होता है। रेलवे सुरक्षा बलों की तादाद 65,000 के लगभग है। रेलवे सुरक्षा बल का मुखिया डायरेक्टर जनरल होता है, जो कि भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है। इस समय 1992 बैच के उत्तराखंड कैडर के IPS अधिकारी मिस्टर SK भगत को 28 अप्रैल 2016 को रेलवे सुरक्षा बल का DG बनाया गया है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए रेलवे सुरक्षा बल के IG अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया। बारे में तो ये पूरा जो आपका 10 दिन का पीरियड है,
आप लोग जो लोग दिल्ली कभी जाएं तो वहां पे पुलिस मेमोरियल बनाया गया है चाणक्यपुरी में, वहां हमारा आरपीएफ का कंटिजेंट भी जाता है, उसमें सारी फोर्सेस का पीरियड है, जो कुछ दिन वहां पे एक एक फोर्स को हैंडओवर किया जाता है। तो आरपीएफ ने भी वहां पे पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया है और उसकी बड़ी सराहना हुई, तो जरूर उसको देखिएगा। फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में बड़ौदा के पास, नर्मदा सागर डैम के पास, लग रहा है आप लोग कमांडो ड्रेस में भी याद है। तो आई एम श्योर कि जो भी कोर्सेज बचे हैं, क्योंकि ये एग्जाम इंडोर का और बाहर की कमेटी आएगी और आपका इंडोर एग्जाम होगा आउटडोर होगा, तो जितना आपने सीखा है उसको और लगन से पूरा यहाँ तक कवर कर लो और थोड़ी सी दूरी बना के जैसा आपको पता होगा कि हम लोग 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे मनाते हैं, उन शहीदों की याद में जो 1959 में जो सीआरपीएफ की टुकड़ी चाइनीज़ आर्मी से जिनकी मुठभेड़ हो गई थी और उसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उस दिन से 21 अक्टूबर को हर साल पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है, जिसमें हम अपने मार्टर्स को, शहीद को श्रद्धांजलि देते हैं। इस वर्ष से 21 से 31 तक ये पुलिस मार्टर्स के लिए स्पेशल एक्टिविटीज़ और उनकी श्रद्धांजलि के लिए एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं और 21 अक्टूबर को पुलिस फ्लैग डे भी डिक्लेयर किया गया है, जो कि आर्म फोर्सेस का ही था पहले, डिफेंस का उनका फ्लैग डे होता था, इस बार पुलिस फोर्सेस का फ्लैग डे किया गया है। और इसमें हम लोग जो भी हमारे पुराने शहीद जितने स्टाफ हैं उनके घर जाते हैं, उनके स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, डिबेट्स करते हैं और अपने ट्रेनीज और जितने स्टाफ हैं सबको अवेयर कराते हैं उनके बारे में, उन्होंने जो भी योगदान दिया है। आज ये जो हम लोगों ने कराया है ये रूट मार्च कम रन फॉर यूनिटी, तो ये लोग ट्रेनिंग सेंटर से शुरू हुए थे और यहाँ पे आए हैं, असेंबल किए हैं और ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग भी है। जब ये लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ और उस समय सारी ट्रेन पैसेंजर ट्रेन्स बंद हो गई थी, तो हम लोग को एक अच्छा मौका मिला। उस बीच में हम लोगों ने एक तो जितना भी एक्सेस कंट्रोल था, बड़े स्टेशन हों चाहे छोटे हों, स्पेशली बड़े स्टेशनों पर ध्यान दिया और उनकी एंट्री एग्ज़िट को हम लोगों ने मॉनिटर किया और उसको नंबर्स कम किए और हम लोगों ने घुसने का एंट्री और एग्ज़िट के अलग अलग रास्ते दिए, हमको प्लानिंग का मौका मिला और हमारे जो भी गैजेट्स हैं, सीसीटीवी है और जो भी गैजेट्स हैं उसके ज़रिए और जीआरपी और इसमें जो हमारे रेलवे के और कमर्शियल डिपार्टमेंट हैं मेडिकल, उसके साथ समन्वय करके हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल बनाया, जिससे कि अभी मैं स्टेशन गया भी था एक दिन तो मैं देखा, मैंने वहाँ के टिकट्स भी चेक किए, लोगों का जितने ऑथराइज लोग हैं अभी फ़िलहाल उतने ही जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अवेयरनेस की जा रही है उनको और कायदे से बैठाया जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है। जहाँ तक लेडीज़ का सवाल है, ये पहल गोरखपुर स्टेशन से ही हुई थी, जहाँ पे हम लोगों ने चार्ट से ये देख के कि लोन जो अकेली महिला यात्री हैं उनको हम लोगों ने स्वयं संपर्क किया, एस्कॉर्ट ने किया, ड्यूटी अफसर ने किया, उनको बताया 182 हेल्पलाइन के बारे में और इसी को ऑल इंडिया अब मेरी सहेली के नाम से भी लॉन्च हुआ है और साउथ ईस्टर्न रेलवे ने उसकी शुरुआत करी है, जिससे कि एंड टू एंड उनकी मॉनिटरिंग हो सके। तो ये मेरी सहेली का प्रोग्राम जो है हमारी ओरिजिनेटिंग और जितनी टर्मिनेटिंग और पासिंग ट्रेन में हम लोग चला रहे हैं और उसको मॉनिटर कर रहे हैं।